सब्जियों का एक बैग खरीदना इससे अधिक फायदेमंद कभी नहीं हो सकता था। खेत से ताजी और हरी सब्जियां चुनकर उन्हें एक बैग में आपके दरवाजे पर डिलीवर किया जाना न सिर्फ आपको एक बेहतरीन उत्पाद के अनुभव से जोड़ता है, पर साथ आपके लिए एक मौका है अपने लिए और अपने आसपास एक अच्छी और नेक दुनिया बनाने का। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि यह एक और नई ई कॉमर्स कंपनी का किया गया वादा नहीं, एक सामाजिक संस्था की प्रतिबद्धता है जो वाराणसी के गांवों की महिला किसानों की ओर से तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। अपने एंड्रॉइड फोन पर एक साधारण ऐप डाउनलोड करके आप गांव में ताजी तैयार हरी सब्जियां, दूध, पनीर, घी, अनाज, मसाले और स्नैक्स जैसे उत्पाद अपने घर पर सीधे पा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी उत्पाद छोटे समूहों में एकत्रित और प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा विभिन्न ग्राम केंद्रों में उत्पादित और पैक किए जाते हैं। आज हम रूबरू होते हैं दृष्टि सखी स्वावलंबन समूह से जुड़ी हुई उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम और काम इतना मजबूत किया कि आप कह उठेंगे शाबाश। क्या नाम है दीदी आपका? शीला देवी मैडम। परिवार में आपके कौन कौन हैं? चार लोग हैं मैडम, एक लड़का, एक बहू, एक बेटी, पति नहीं है। हमारे पास एक बीघा खेत है। अच्छा, उसी में अपना खेती बाड़ी करते हैं। वो लड़का जो है दुकान खुला है उसी अपन सट्टी बाजार ले जाता था, चंगा सट्टी पे जो दृष्टि वाला सेंटर खुला इसी में हम जुड़ गए मैडम। हमको अच्छा लगा, इसी में अपना सब्जी हम देने लगे। क्या अच्छा लगा, पहले क्या दिक्कत होती थी आपको? अरे दिक्कत यह लगा मैडम, वहाँ जाने से समय बर्बाद हो रहा है हमारे लड़का का, दुकान जाने में लेट हो रहा है, यहाँ तो सुबह अपन दे करके पैकिंग करके खाली हो जाते हैं। यह अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा। दाम आपको साल भर सही मिलता था? हाँ हाँ मैडम, चेनुआ सट्टी में जब बेचती थी चेनुआ सट्टी में नहीं मिलता, वहाँ तो कहीं कभी 20 का 50 का 60 का फिर नहीं बिकता है तो फिर खेत में रह जाता है, नहीं बिकता तो गाय गोरू खा जाती है, बहुत सा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन यहाँ पर तो चला जा रहा है एकदम, जो सब्जी हमारे खेत में है, मूली है, पालक, भिंडी, सब्जी। तो आपको एक फिक्स दाम पे सब्जी आपकी आपको मिल जा रहा है? हाँ हाँ मिल जा रहा है। और आपको साल भर आपकी सब्जी, अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा है कहाँ हमको बेचना है? नहीं, हमको कोई पता नहीं, अब तो फिक्स हो गया है, जा रहा है तीन बार फिक्स। तो कोई संदेश आप देना चाहेंगी? हाँ मैडम, संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे खेत में आके देखें इसको क्या सब्जी चाहेगा तो बताएंगे, तो हम उगाएंगे, देंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा जो बताएंगे तो वही ना खेत में उगाएंगे तो देंगे। ऐसे तो अपने मन से भिंडी, मूली, पालक हुए हैं, गाजर तो वही सब दे रहे हैं, आएंगे बताएंगे, अच्छा अच्छा तो जो उसके विचार में अच्छा लगेगा वही बताएंगे तो फिर उगाएंगे। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि लोग आपके खेतों में आए, खेत में आकर के देखें, बताएं, देसी खाद डाल करके हम पैदा करते हैं मैडम, सोडा वोड़ा हम नहीं जल्दी देते हैं। अच्छा, हमारे पास ना पैसा नहीं है कि हम विदेश से सोडा ला करके इसी में छींटे, अपन देसी खाद से पैदा करते हैं। मेरा नाम अद्विति पटेल है, मैं ककरैया गाँव में की हूँ, यहाँ की बहू हूँ। मैं यहाँ लाइन ट्रेनर पे 7-8 महीने से जुड़ी हूँ, जो कि यहाँ मैं महिलाओं को सिलाई सिखाती हूँ। यहाँ करीबन 42-44 महिलाएं को मैंने ट्रेन किया है जो कि सिलाई सीखी हैं और इस समय कुर्ती सिल रही हैं, उनको रोजगार मिला है। और मैं यहाँ महिलाओं को सिलाई सिखा के बहुत खुश हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसमें मेरे पति का और मेरी सासू माँ का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिनके वजह से मैं यहाँ काम करने के लिए छुट्टी मिला और उनकी वजह से मैं यहाँ आती हूँ। और मेरा एमए इस साल मेरा एमए फाइनल हो गया है, मैं आगे फ्यूचर में फैशन डिजाइनर का कोर्स करना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ कर पाऊँ। दामिनी और दृष्टि फाउंडेशन का धन्यवाद यहाँ सखी स्वावलंबन यहाँ गांव में लाने के लिए,